हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज का टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड हाउ टू क्रिएट जर्नल एंट्रीज। मैं बहुत लोगों को देखा हूं जर्नल एंट्री याद करके रखते हैं और बीच बीच में भूल भी जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और जो लोग जर्नल एंट्री याद करके रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी जर्नल एंट्री को याद करना नहीं पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपसे सिर्फ यही निवेदन है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स अकाउंट्स को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स, दो रियल अकाउंट, तीन नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले इन तीनों अकाउंट्स को अच्छे तरीके से सीखना है, उसके बाद सभी अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। एक बात दोस्तों पहले बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो भी डेफिनेशन एंड व्यूज मैं आपको दूंगा वो थियोरिटिकल डेफिनेशन से नहीं मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाऊंगा 100% आप सीख जाएंगे। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट्स व्हिच इंडिकेट टू पर्संस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इट मे बी एनी ह्यूमन, कंपनी, फार्म, क्लब, ट्रस्ट, बैंक, स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा। तो जिस अकाउंट्स के ज़रिए कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान को समझाएगा, जिस अकाउंट्स के ज़रिए कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान को समझाएगा वही अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, वो कोई फार्म हो सकता है, वो कोई बैंक हो सकता है, या कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। देखिए कुछ एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है, देखिए जैसे कि सैम स्टील लिमिटेड, रोहित एंड एसोसिएट्स, अजय कुमार, सान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, मनोज सिंह, नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, विवेकानंद ब्लाइंड ट्रस्ट, टाटा स्टील लिमिटेड, कैपिटल, सूर्या एंड कंपनी एट्सेट्रा। यहाँ पे आप मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट क्यों बोलेंगे? कैपिटल मतलब मूलधन, ये तो कोई व्यक्ति भी नहीं है और प्रतिष्ठान भी नहीं है। हाँ दोस्तों, इसे क्लियर करने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में कौन देता है? कैपिटल बिजनेस में कौन देता है? जी हाँ दोस्तों, बिजनेस का ओनर देता है। तो ओनर कौन है? ये क्या कोई व्यक्ति नहीं है? हाँ, इसीलिए कैपिटल को पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। कैपिटल को एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रियल अकाउंट? द अकाउंट्स व्हिच इंडिकेट टू टेंजिबल एसेट्स। जिस अकाउंट्स के ज़रिए कोई वस्तु या एसेट को समझाएगा जिसे हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसी अकाउंट्स को रियल अकाउंट बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, देखिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी, व्हीकल, एयर कंडीशनर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर एट्सेट्रा, ये सभी रियल अकाउंट है। तो एक्चुअली दोस्तों रियल अकाउंट किसे बोलेंगे? जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, एक्चुअली उसी एसेट्स को हम लोग रियल अकाउंट बोलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे दोस्तों? कोई भी व्यक्ति और प्रतिष्ठान को जिस अकाउंट्स के ज़रिए पहचाना जाता है वो पर्सनल अकाउंट है। और रियल अकाउंट्स किसे कहेंगे दोस्तों? कोई भी वस्तु या एसेट को जिस अकाउंट्स के जरिए
पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? द अकाउंट्स व्हिच इंडिकेट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम और रेवेन्यू। तो नॉमिनल अकाउंट को पहचानना सबसे आसान है दोस्तों, जिस अकाउंट्स के जरिए कोई भी एक्सपेंस और इनकम को समझाएगा वही नॉमिनल अकाउंट है। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए जनरल एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लियरिंग चार्जेस, डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, परचेज सेल, ये सभी नॉमिनल अकाउंट हैं। तो दोस्तों तीनों अकाउंट्स को हम लोग पहचान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं अकाउंट को कैसे डेबिट एंड क्रेडिट के इस्तेमाल करेंगे। देखिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स में क्या है, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट्स में कब डेबिट करेंगे एंड कब उसे क्रेडिट करेंगे। देखिए दोस्तों पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, कोई भी घटना होगा पर्सनल अकाउंट्स के, एक्चुअली वो क्या है, कोई व्यक्ति है या कोई प्रतिष्ठान है। तो ये क्या हो सकता है, या तो कोई सुविधा दे रहा है या ले रहा है, या तो ये रिसीवर है या तो फिर ये गिवर है। तो जो रिसीवर होगा तब उसे हम डेबिट करेंगे और जब गिवर होगा तब उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए राम से हम लोग 10,000 रुपया लिए हैं, तो राम से हम लोग 10,000 लिए तो राम से हम लोग क्या करें, सुविधा पाया है तो राम यहाँ क्या है, गिवर है, तो राम यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक ही तरीके से अगर हम श्याम को हम 5,000 रुपया दे रहे हैं, श्याम को हम 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ पे श्याम कौन है, सुविधा ले रहा है, रिसीवर है, तो यहाँ पे सैम को मैं क्या करूँगा, वो डेबिट करूँगा। तो पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है, ये आपको समझ में आ गया, जब वो रिसीवर है तब वो डेबिट, जब गिवर है तब क्रेडिट। नेक्स्ट रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है दोस्तों, बोले थे जो एसेट्स हैं या कोई वस्तु है इसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। तो एक्चुअली रियल अकाउंट्स में क्या होता है, या तो कोई वस्तु या एसेट्स हमारे पास आता है या तो फिर चला जाता है, दोनों घटना है। तो क्या है, व्हिच कम्स इन इज डेबिट। जब वो वस्तु या एसेट्स हमारे पास आएगा तब उसको हम डेबिट करेंगे। एंड व्हिच गोज आउट इज क्रेडिट। जब वो वस्तु या एसेट्स हमारे पास से चला जाएगा तब उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब हम एक कार खरीदेंगे तो कार को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? जी हाँ दोस्तों डेबिट करेंगे, क्योंकि कार हमारे पास आ रहा है, कम्स इन, तब डेबिट करेंगे। और कुछ चीज़ हम मान लीजिए सेल कर दिए, मान लीजिए फर्नीचर सेल कर दिए, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे पास से चला जा रहा है, इसीलिए फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट। बस तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट कौन है, रिसीवर, और क्रेडिट कौन है, गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट कौन है, जब रियल अकाउंट में कोई वस्तु या एसेट्स आएगा तब डेबिट, और जब चला जाएगा तब क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जब कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी हो, जो भी एक्सपेंस होगा, जब कोई भी एक्सपेंस होगा तब उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब कोई भी इनकम होगा तब उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और तीनों अकाउंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा एंड उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एक जर्नल है, क्या है,
2500 पेड टू मौलाय दास। जर्नल एंट्री तैयार करने के लिए दोस्तों पहले एक बात बता दूं, आपको दो अकाउंट्स को चूज करना है, ठीक है। फास्ट होता दो अकाउंट्स को चूज करेंगे, उसके बाद वो दो अकाउंट कौन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, जो भी उसको चूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उस हिसाब से वो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, अगर वो रियल अकाउंट है उस हिसाब से वो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, ये हम समझेंगे। तो फर्स्ट इसमें से हम लोग दो अकाउंट्स किसे हम पाएंगे, एक तो मौलाय दास एक अकाउंट है और एक क्या है, जी हाँ दोस्तों कैश है, एक मौलाय दास और एक है कैश। तो मौलाय दास कौन सा अकाउंट है, जी हाँ दोस्तों ये एक व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है, हाँ दोस्तों ये एक वस्तु है या एसेट्स है, ये रियल अकाउंट। तो अब देखेंगे मौलाय दास क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब देखेंगे मौलाय दास यहाँ पे क्या है, गिवर है या रिसीवर है, तो ये मौलाय दास यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। 2500 रुपया हम मौलाय को दे रहा है तो मौलाय रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है। तो जब हम रिसीवर जब है तब क्या बोले थे, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो मौलाय रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है, इसीलिए मौलाय को क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है दोस्तों। फिर चला जाता है कैश पे, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, हाँ दोस्तों रियल अकाउंट में क्या बोले थे, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट, तो यहाँ पे कैश है क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सिंपल लगा होगा। फिर चलिए नेक्स्ट आते हैं, टेलीफोन चार्जेस पेड फॉर ₹3700। यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा है, एक है टेलीफोन चार्जेस, दूसरा है कैश, यहाँ मैं कैश ही मान लेता हूँ, ये चेक से भी हो सकता है बैंक, ठीक है। तो टेलीफोन चार्जेस ये कौन सा अकाउंट है, जी हाँ दोस्तों ये एक एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट, और ये कैश है ऑब्वियसली रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोले थे, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, मैं बोला था दोस्तों। तो देखिए टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है एक, इसे मैंने डेबिट किया है। और कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या बोले थे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यहाँ पे कैश जा रहा है इसलिए कैश है क्रेडिट, एज सिंपल। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड बाई चेक फॉर ₹5000। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा है, एक है कमीशन और दूसरा है क्या है, चेक से। जब भी हम लोग चेक से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे क्या मान लेते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। तो एक है बैंक अकाउंट और एक है कमीशन रिसीव अकाउंट। अब आते हैं कमीशन रिसीव, कौन सा अकाउंट है ये, कमीशन रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम है ये, तब ये कौन सा अकाउंट है, जी हाँ ये नॉमिनल अकाउंट है। और एक क्या है, बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है, ये एक बैंक है प्रतिष्ठान है, तो कौन है, पर्सनल अकाउंट, एकदम राइट। अब आइए कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोले थे, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। यहाँ पे कमीशन रिसीव यानी कि इनकम, तो इनकम तो क्रेडिट होगा, देखिए कमीशन रिसीव मैंने क्रेडिट किया है। फिर आ जाइए बैंक, बैंक यहाँ पे कैश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये क्या है, रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोले थे, ये रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट, यहाँ पे बैंक रिसीवर है, देखिए बैंक को मैंने डेबिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, सॉरी टू कमीशन रिसीव्ड हो गया। नेक्स्ट है 8000 रिसीव्ड फ्रॉम दास एंटरप्राइज, सेम मैटर दोस्तों, दो अकाउंट्स को ढूंढना है, फिर उसके बाद वो क्या अकाउंट है पहचानना है, फिर उसके बाद उस अकाउंट्स में कब डेबिट होगा क्या कब क्रेडिट होगा ये देखना होगा। तो तीनों काम कर लेते हैं फिर जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगा।
तो फर्स्ट काम क्या है, दो अकाउंट्स कौन है, दास एंटरप्राइज और एक क्या है, कैश। जी हाँ दोस्तों, कैश। कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास एंटरप्राइज, कैश आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, मैंने बोला था जब कुछ आएगा तब वो डेबिट होगा। देखिए कैश डेबिट, दास एंटरप्राइज कौन है, जी हाँ पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे वो क्या है, रिसीवर या गिवर, यहाँ पे क्या क्या है, गिवर है। ये कैश दे रहा है किसको, हमें दे रहा है, हमें कैश दे रहा है, तो ये गिवर है। गिवर होगा तो क्या होगा, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। देखिए गिवर दास एंटरप्राइज क्रेडिट हो गया, आसान है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार परचेस्ड फ्रॉम दास मोटर्स फॉर ₹4,50,000 ऑन क्रेडिट। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, दास मोटर्स से कार परचेज किए हैं 4,50,000 में क्रेडिट में। एक बात दोस्तों आपको याद होगा, जब हम क्रेडिट में कुछ खरीदते हैं या बिकते हैं तब क्या करते हैं, पार्टी का नाम आते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात आपको याद होगा, कब परचेज या सेल का लेजर आएगा और कब गुड्स, सॉरी एसेट्स आएगा। तो दोस्तों जब गुड्स परचेस या सेल करेंगे तब परचेस या सेल का लेजर आएगा, और जब एसेट्स को सेल या परचेस करेंगे तब एसेट्स का लेजर जर्नल में आएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए यह कार परचेज फ्रॉम दास मोटर्स, देखिए ये कार, एक ही कार परचेज हो रहा है, तो ये कार एक एसेट से, इसीलिए मैंने यहाँ लेजर में परचेज को नहीं लाया हूँ, किसको लाया हूँ, कार को लाया हूँ। अब देखिए कार क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो रियल अकाउंट में जो जब आएगा क्या होगा, वो डेबिट होगा। देखिए कार को डेबिट किया है, और दास मोटर्स यहाँ पे क्या है, गिवर या रिसीवर। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये दास मोटर्स यहाँ पे कार दे रहा है, कार दे रहा है, तो इसी यहाँ पे दास मोटर्स गिवर है, इसीलिए देखिए दास मोटर्स को क्रेडिट किया है, तो कार अकाउंट डेबिट टू दास मोटर्स हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम करीम एंड कंपनी फॉर ₹45,000 बाई कैश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक ही बात है, दो लेज़र चूज करना, लेकिन यहाँ पे कितना लेज़र है, करीम एंड कंपनी है एक लेज़र, कैश है दो लेज़र, परचेज है तीन लेज़र। तो हम लोग कौन सा दो लेज़र लेंगे, एक है परचेज तो लेंगे और एक क्या लेंगे, कैश लेंगे, क्योंकि कैश में जो कुछ हम लोग खरीदते या बेचते हैं तब कैश आता है, तब पार्टी का नाम नहीं आता है। जब ऑन क्रेडिट होता है, उधार में खरीदते या बेचते हैं तब पार्टी का नाम आता है, इसीलिए यहाँ पे कैश लिया है। अब आ जाइए परचेस, परचेस कौन सा अकाउंट है, जी हाँ दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। परचेस क्या है, वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए वहाँ पे क्या बोले थे, डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो परचेस एक्सपेंस है इसीलिए देखिए डेबिट किया है। कैश, कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है रियल अकाउंट, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, देखिए कैश को क्रेडिट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आते हैं, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण बनर्जी फॉर ₹4,000 ऑन क्रेडिट। सेम प्रोसेस है दोस्तों, ठीक ऊपर वाला यही है, आ जाइए। तो ये यहाँ पे दो अकाउंट्स को पहले चूज करना है, कौन सा अकाउंट है, लक्ष्मण बनर्जी एक अकाउंट है, सेल एक अकाउंट है, दो और कुछ नहीं है, दो अकाउंट ही है बस। आते हैं लक्ष्मण बनर्जी, लक्ष्मण बनर्जी यहाँ पे कौन है, रिसीवर या गिवर। तो ये लक्ष्मण, हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण बनर्जी को सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लक्ष्मण बनर्जी गुड्स रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिसीवर है, तो लक्ष्मण बनर्जी रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट,
सो दैट लक्ष्मण बनर्जी इज डेबिट। नेक्स्ट आते हैं क्या, सेल। सेल क्या है, कौन सा अकाउंट है दोस्तों? हाँ, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, इनकम है। तो ये क्रेडिट है, लक्ष्मण अकाउंट्स एनर्जी डेबिट टू सेल। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैश रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण बनर्जी फॉर ₹4,000। तो दो अकाउंट्स कौन सा है, लक्ष्मण बनर्जी एंड कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश डेबिट। लक्ष्मण बनर्जी यहाँ पे क्या है, गिवर या रिसीवर। कैश दे रहा है तो गिवर है। गिवर में क्या बोले थे हम लोग, क्रेडिट। देखिए लक्ष्मण बनर्जी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹10,000। यहाँ पे दो अकाउंट क्या है, बैंक है, कैश है। कैश कैश क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्रेडिट। देखिए कैश को क्रेडिट किया है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे क्या है, रिसीवर या गिवर, रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ₹5,000। एक ही तरीका है, सिर्फ इसको उलट देना है। कैश विड्रॉ, कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट। बैंक, बैंक यहाँ पे क्या है, गिवर है, इसलिए बैंक क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर ₹5,00,000। यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन सा है, कैपिटल है और एक क्या है, कैश। कैश है यहाँ पे, देखिए दोस्तों दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल। कैश क्या हो रहा है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या बोले थे, जो आएगा, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो देखिए कैश को डेबिट किया। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल होगा। क्यों होगा, मैंने कैपिटल को क्या बोले थे दोस्तों, एक नोट बोले थे, याद है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए ह्यूमन। सपोज यह मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, ये मालिक है, ये कमल है, ठीक है, मालिक का नाम है कमल, मान लीजिए कमल है। तो कमल क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। तो कमल यहाँ पे क्या है, गिवर है या रिसीवर, गिवर है, इसीलिए कमल को क्रेडिट किया है। नहीं दोस्तों, कमल को हटा दीजिए, अब कैपिटल बैठा दीजिए बस, क्योंकि कैपिटल को एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं। तो कैपिटल क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एज सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन कार एट द रेट 10%, कार्स वैल्यू फॉर ₹4,00,000। मान लीजिए कार है, कार का वैल्यू है ₹4,00,000, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन हुआ है, तो इसका क्या जर्नल होगा। यहाँ पे मान दो अकाउंट्स आपको ढूंढना है, एक क्या है डिप्रिसिएशन और एक क्या है कार। दो अकाउंट्स है। डिप्रिसिएशन क्या है, इसका मतलब खोए, ये एक वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है। तो ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या बोले थे, डेबिट बोले थे। देखिए डिप्रिसिएशन को डेबिट किया है, कितना रुपया, ₹40,000। क्यों, 10% किसके ऊपर, ₹4,00,000 के ऊपर। इसके ऊपर 10% जितना वैल्यू होगा, कितना होगा, 40,000 हो गया। उसके बाद है कार, कार को हमने क्रेडिट किया है। अब आप, हम यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे आप मुझे, क्या कि कार तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, तो इसको क्रेडिट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कार नहीं जा रहा है, लेकिन कार का वैल्यू कम रहा है। यहाँ कार का वैल्यू था ₹4,00,000, यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन ले लिया है कितना, 40,000। तो रिमेनिंग इसका वैल्यू कितना हो गया, 3,60,000। तो कार का तो वैल्यू कम गया, जो वैल्यू कम गया, मान लीजिए वो कार चला गया, इसीलिए कार को क्रेडिट किया है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि कोई और भी कुछ सीख पाए। मेरे वीडियो का अपडेट पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।